तो गाइस आज के स्नैप वीडियो के अंदर आप लोग मैं सिखाऊंगा पिक्सआर्ट से कुछ इस तरह के डेविल किंग कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग, जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। गाइस इस तरह की फोटो एडिटिंग करना बहुत ही आसान है पिक्सआर्ट से। तो गाइस अगर आपको भी कुछ इस तरह की एडिटिंग सीखना है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इसी तरह की एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो चलिए भाई आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट में ये वाला बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। और दोस्तों बैकग्राउंड हो या फिर पीएनजी, जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर मैं यूज करूंगा उसका सारे का सारा लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप लोग जाकर वैसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर पहले वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देख लीजिए, आप लोग बाद में जाकर स्टॉक्स को डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा कि एडिटिंग कैसे हुआ। इसीलिए आप लोग बोल रहे हो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा। देन दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड ओपन करने के बाद अभी आप लोग चले जाना एड प्रोडक्ट में, ठीक है। सो दोस्तों आप लोग इधर पे दिखा देता हूँ, ये रहा ऐड प्रोडक्शन यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर रहे हैं एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पे अभी आप लोग अपना फोटो को सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों मैं एग्जांपल इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ एंड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग कर लेना ऐड। एंड ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो मैं मॉडल का फोटो का बैकग्राउंड पहले से ही कटआउट करके रखा हूँ। सो अगर आप लोग फोटो का बैकग्राउंड कटआउट या रिमूव या इरेज करना नहीं आता सो उसके दोस्तों आप लोगों के लिए मैं पहले से ही वीडियो बना के रखा हूँ, जिसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर वैसे वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से आप लोग अपना फोटो का बैकग्राउंड रिमूव या इरेज कर पाओगे, वो भी फुल HD क्वालिटी में। सो आप लोग वैसे जाकर बाद में देख लेना, पहले तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। सो इतना करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग क्या करें, अभी आप लोग अपने फोटो को कार्टून बना लेना है, ठीक है। सो फोटो को कार्टून बनाने के लिए इधर से अभी आप लोग चले जाएंगे इफेक्ट्स टूल ऑप्शन में। तो दोस्तों ये रहा इफेक्ट्स टूल ऑप्शन, तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग चले जाएंगे स्केच का ऑप्शन में, ठीक है। सो दोस्तों ये रहा स्केच का ऑप्शन, तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग क्या करना है, आप लोग अपने डेटा को ऑन कर लेना, ठीक है। सो दोस्तों ये मैं यहाँ पर डेटा को ऑन कर लेता हूँ, तो आप लोग भी अपने डेटा को ऑन कर लेना है। एंड डेटा ऑन करने के बाद दोस्तों इधर पे अभी आप लोग कार्टून टू नाम का फिल्टर दिखने को मिलेगा। सो इस फिल्टर पे अभी आप लोग क्लिक कर दे रहे हैं, उसके बाद दोस्तों आप लोग फोटो जो कार्टून में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग ये वाला फिल्टर शो नहीं हो रहा है तो आप लोग एक बार पिक्सआर्ट को अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर से, उसके बाद दोस्तों आप लोग ये वाला फिल्टर शो होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो यहाँ पर कार्टून में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों सेम यही तरह मैं आप लोग अपना फोटो को कार्टून बना लेना है, देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग डन कर देना है। एंड डन करने के बाद दोस्तों आप लोग अभी क्या करना है, आप लोग इरेजर का ऑप्शन में यहाँ से क्लिक कर देना है, ठीक है। सो दोस्तों ये रहा इरेजर का ऑप्शन, तो इस ऑप्शन पर अभी आप लोग क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग इरेज पर यहाँ से क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आप इसका हार्डनेस को अभी आप लोग हल्का सा कम कर देना है, सो यहाँ पर आप लोग रखना है 36 के आसपास और यहाँ पर इसका ऑपेसिटी को भी आप लोग कम कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑपेसिटी को इधर पर भी आप लोग रखना है 38 के आसपास और शायद इधर पर आप लोग अपने हिसाब पर रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी आप लोग फोटो को कुछ इस तरह से जूम करके नीचे का साइड में इस तरह से आप लोग इरेज कर लेना है। सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो मैं यहाँ पर जैसे इरेज कर रहा हूँ वैसे आप लोग इधर पर कर लेना है। एंड इरेज करने के बाद दोस्तों इधर से अभी आप लोग डन कर देना है एंड डन करने के बाद दोस्तों आप लोग अपना हिसाब बराबर अभी इसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। सो दोस्तों मैं यहाँ पर अभी इसे यहाँ पर रखता हूँ, सो आप लोग मिडल पे इस तरह से रखना है। देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग क्या करना है, आप लोग डन नहीं करना है, ठीक है। डन नहीं करना है तो क्या करना है, आप लोग साइड में स्क्रीन के ऊपर टैप करना है एंड स्क्रीन के ऊपर आप लोग जैसे ही टैप करोगे साइड में इधर पर अभी आप लोग एड प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से अभी आप लोगों को इस लाइट पेन जो जैसे सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसे भी आप लोग कर लेना है ऐड। एंड ऐड करने के बाद दोस्तों इसका ब्लेंड मोड का आप लोग कर लेना स्क्रीन, ठीक है। सो दोस्तों ये रहा ब्लेंड मोड का ऑप्शन, तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर देना है। देन दोस्तों ऐसे अभी आप लोग सिंपली स्क्रीन कर लेना है एंड स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आप लोग कुछ इस तरह से जूम कर लेना है अपने हिसाब बराबर। सो यहाँ पर हमारा सही है। देन दोस्तों इसे अभी आप लोग कर लेना मूव डाउन, ठीक है। सो मूव डाउन करने के लिए दोस्तों इस ऑप्शन पर ऐसे आप लोग क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग इधर पर मूव डाउन का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर देना है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अभी आप लोग फिर से एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब बराबर। सो यहाँ पर हमारा सही है। देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोगों को डन कर देना है एंड डन करने के बाद दोस्तों आप लोग फिर से ऐड प्रोडक्शन में यहाँ से क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोगों को इस पीएनजी को एंड साथ ही साथ दोस्तों इस पीएनजी को इधर से सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इन दोनों पीएनजी को आप लोग इधर से कर लेना है ऐड। एंड ऐड करने के बाद दोस्तों इस पीएनजी को आप लोग कुछ इस तरह से ऊपर की साइड में अभी रखना है। सो यहाँ पर हमारा सही है। उसके बाद दोस्तों इस पीएनजी को आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका भी ब्लेंड मोड का आप लोग कर लेना है स्क्रीन। सो आप लोग फिर से ब्लेंड मोड का चला जाना है। देन दोस्तों ऐसे अभी आप लोग सिंपली स्क्रीन कर लेना है एंड स्क्रीन करने के बाद दोस्तों इस पीएनजी को आप लोग कुछ इस तरह से अपना आंखों के ऊपर लगा देना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे यहाँ पर सही है। देन दोस्तों इसका कॉपी आप लोग कर लेना, ठीक है। सो कॉपी करने के लिए फिर से इस ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देना है
एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग नीचे डुप्लीकेट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर दें, उसके बाद दोस्तों इसका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी होने के बाद दोस्तों इसको आप लोग रोटेशन कर लेना है। सो रोटेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग फ्लिप एंड रोटेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर दें, देन दोस्तों ऐसे अभी आप लोग सिंपली इसे रोटेट कर लें। एंड रोटेट करने के बाद दोस्तों आप लोग कुछ इस तरह से इसे दूसरा आंखों के ऊपर इस तरह से लगा दे रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा सही है। देन दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा क्रिएटिव यहाँ पर लग रहा है अभी। देन दोस्तों इधर से अभी आप लोग डन कर देना है। एंड डन करने के बाद दोस्तों आप लोग फिर से एड प्रोडक्शन में क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग अपना फोटो वाला पीएनजी को फिर से सिलेक्ट कर लेना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग फिर से ऐड कर लेना है। एंड ऐड करने के बाद दोस्तों आप लोग कुछ इस तरह से नीचे का साइड में अभी रखना है। ठीक है, सो हमारे यहाँ पर सही है। देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग फिर से डन कर देना है। एंड डन करने के बाद दोस्तों लास्ट यहाँ से आप लोग फिर से ऐड प्रोडक्शन में क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोगों को इस पीएनजी को एंड साथ ही साथ दोस्तों इस डेविल किंग पीएनजी को भी इधर से सिलेक्ट कर लेना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इन दोनों पीएनजी को इधर से आप लोग कर लेना है ऐड। एंड ऐड करने के बाद दोस्तों इस डेविल किंग पीएनजी को आप लोग साइड में इस तरह से रख देना है अभी। और इस पीएनजी का ब्लेंड मोड को आप लोग कर लेना है मल्टीप्लाई। ठीक है, सो दोस्तों आप लोग फिर से ब्लेंड मोड का ऑप्शन चला जाना है। देन दोस्तों ऐसे अभी आप लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है। एंड मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों इसे आप लोग कुछ इस तरह से जूम करके नीचे का साइड में रख देना है। ठीक है, सो आप लोग कुछ इस तरह से नीचे का साइड में रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो इसका लाइन का जो निशान है यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सो इसे रिमूव करने के लिए दोस्तों आप लोग फिर से इरेज पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग फिर से इरेज पर ऐसे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पर इसका हार्डनेस को आप लोग कम कर देना है और ऑपोसिटी को भी कम कर देना है और शाइज इधर आप लोग बढ़ा देना है और यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से इरेज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों लाइन जो है गायब हो जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लाइन जो था हमारा गायब हो चुका है। देन दोस्तों इधर से अभी आप लोग डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों इस डेविल किंग पीएनजी का भी ब्लेंड मोड का आप लोग कर लेना है स्किन। सो आप लोग फिर से ब्लेंड मोड क्वेश्चन में ऐसे चला जाना है। देन दोस्तों ऐसे अभी आप लोग सिंपली स्किन कर लेना है। एंड स्किन करने के बाद दोस्तों इसे आप लोग कुछ इस तरह से नीचे का साइड में आप लोग रख देना है। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा सही है। देन दोस्तों इधर से अभी आप लोग कर देना है डन। एंड डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव यहाँ पर लग रहा है हमारे मॉडल का फोटो अभी। लेकिन हमारे मॉडल का फोटो अभी कम्प्लीटली एडिटिंग नहीं हुआ है। ठीक है, सो फोटो को कम्प्लीटली एडिटिंग करने के लिए आप लोग अपने फोटो को ले जाना लाइट टू मैप के अंदर। सो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो इस ऑप्शन पर अभी आप लोग क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर पर अभी आप लोग मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोगों को अपने फोटो को लाइट टू पर ऐड कर लेना है। तो हमारा मॉडल का फोटो लगते हैं यहाँ पर लाइट रूम में आपके अंदर ऐड हो चुका है। चलो अभी जाकर देखते हैं लाइट रूम में। एंड लाइट रूम में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग ऑल फोटोज का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोगों को अपने फोटो को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो यहाँ पर ओपन हो चुका है लाइट रूम के अंदर। सो आप लोग अपना फोटो को लाइट रूम पे कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग एडवांस चले जाना लाइट्स का ऑप्शन में। ठीक है, सो दोस्तों ये रहा लाइट्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका शैडो का अभी आप लोग इंक्रीज कर देना है। ठीक है, सो शैडो को इंक्रीज करके इधर पे आप लोग रखना है 79 के आसपास। उसके बाद दोस्तों ऐसे अभी आप लोग चले जाने कलर वाला ऑप्शन में। तो दोस्तों ये रहा कलर का ऑप्शन। तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग चले जाने मिक्स टूल में। ठीक है, सो दोस्तों ये रहा मिक्स टूल। तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि हमारे मॉडल का हुडी जो है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे। तो मैं यहाँ पर अभी सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर लुमिनस को भी इंक्रीज कर देता हूँ हल्का सा। सो आप लोगों को भी अपना हिसाब बराबर कर लेना है इंक्रीज। आप लोग शर्ट टी शर्ट हुडी वगैरह जो कुछ भी है उसे आप लोग अच्छे से कलरफुल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अभी आप लोग चले जाने ऑरेंज कलर में। ठीक है, एंड ऑरेंज कलर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग चाहो तो अपना फेस को यहाँ पर गोरा कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर इसका लुमिनस का भी आप लोग हल्का से इंक्रीज कर देना है। ठीक है, सो आप लोग अपना हिस्सा बड़ा इंक्रीज कर लेना है। सो मैं यहाँ पर अभी रखता हूँ 34 के आसपास। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग चले जाने ब्लू कलर में। ठीक है, एंड ब्लू कलर में जाने के बाद दोस्तों इसका सैचुरेशन का आप लोग फुल कर देना है और यहाँ पर इसके लुमिनस को भी आप लोग इंक्रीज कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग रखना है 69 के आसपास। ठीक है, देन दोस्तों इधर से अभी आप लोग कर देना है डन। एंड डन करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग चले जाने इफेक्ट्स टूल का ऑप्शन में। तो दोस्तों ये रहा इफेक्ट्स टूल का ऑप्शन। तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका टेक्चर का भी आप लोग बढ़ा देना है। ठीक है, सो टेक्चर को बढ़ा के इधर पर आप लोग रखना है 64 के आसपास और यहाँ पर इसका क्लैरिटी को भी आप लोग हल्का से बढ़ा देना है। सो यहाँ पर क्लैरिटी को आप लोग रखना है 4 तक और यहाँ पर इसका डी एस को आप लोग हल्का सा बढ़ा देना है अभी। ठीक है, सो डी एस के इधर पर आप लोग रखना है 7 तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोग चले जाना अभी डिटेल में। सो दोस्तों यारा डिटेल का ऑप्शन आप लोग मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ यारा डिटेल का ऑप्शन। तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग अपने फोटो के ऊपर शार्प डाल लेना है। ठीक है, सो फोटो पर शार्प डालने के लिए यहाँ पर आप लोग शार्पनिंग को बढ़ा देना हल्का सा। सो यहाँ पर शार्पनिंग को इधर पर आप लोग रखना है 45 के आसपास। ठीक है,
और या फिर इसका नॉइस रिडक्शन पे आप लोग बढ़ा देना है हल्का सा 15 तक, और या फिर कलर नॉइस रिडक्शन को भी आप लोग बढ़ा देना है। सो यहाँ पर बढ़ा कर आप लोग रखना है 15 तक। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो जो यहाँ पर अभी कम्प्लीटली एडिटिंग हो चुका है। देन दोस्तों यहाँ पर इसका बिफोर आफ्टर आप लोगों में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यार बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऑसम यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग अपने फोटो को सेव करने के लिए इधर पर अभी आप लोग शेयर का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो इस शेयर का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग सेव टू डिवाइस का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, सो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग फोटो जो गैलरी में सब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो सिर्फ इतना ही, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद अगर आया होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और वीडियो आप लोग कैसे लगे कमेंट में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, मिलता है अगले वीडियो में।